Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are well. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी स्किन को किस तरह से डिटॉक्स करना है, अपने माइंड को डिटॉक्स करना है, जिससे हमारी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है और हमारे को कुछ भी एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपली उसी तरीके से मैं आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव वीडियो है जो आप लोग चाहे तो बहुत ही इजी अपने स्किन का टेक्सचर अच्छा कर सकते हैं, अपने स्किन के ग्लो बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी पे अपनी मतलब ऑल बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या यूज करती हूँ अपने आप को अच्छा और एनर्जेटिक रखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं, जिनको हम जान ही नहीं पाते हैं। हम अच्छी अच्छी महंगी महंगे प्रोडक्ट्स परचेज करते रहते हैं। 5000 का ले लिया, 500 का ले लिया, दर जो जैसे भी पैसे लगे तो पैसे लगे, ठीक है मुझे प्रोडक्ट चाहिए। थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगनी चाहिए ना यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटर होगा ना, वो पैसे बच जाएंगे आपके किसी और काम में आएंगे। तो मैं वही चीज आपको बताने लाई हूँ आज कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अच्छे से पता है कि ऑरेंज में विटामिन सी की लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंग्रेडिएंट जिनको आज मैं यूज करने वाली हूँ। ये वो इंग्रेडिएंट है जिनको मैं रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करती हूँ, अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इसी को मैं डाइट में शामिल कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको फेस पे अप्लाई करके रब 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 देन वॉश, दैट्स इट, आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। अदर प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं वीडियो पे थोड़ा सा मेकअप अप्लाई कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ तो ठीक दिखना चाहिए ना यार, नहीं तो कहोगे ऐसे ही चली आती हो। तो ठीक है, मैं आज इनके बारे में बताऊंगी मैं किस तरीके से इनको यूज करती हूँ। इसमें मैंने लिया है एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया। तो मैं कुछ चीजें पहले आपको डिटेल्स दे देती हूँ कि जो एप्पल होता है वो हमारी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और आपके फेस पे एक एक्स्ट्रा ग्लो लाता है। मैं आज भी आपको बता दूं, जब मेरी मैरिज होने वाली थी तो मेरे को मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट थी, मतलब पार्लर वाली थी, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मॉर्निंग में सबसे पहले आप एप्पल लीजिए। एप्पल आपकी स्किन को एक्स्ट्रा बायोटिन देता है जिससे आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो आता है। नेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज में होता है विटामिन सी। विटामिन सी तो आप जानते हैं कितना ज्यादा जरूरी है हमारी स्किन के लिए। मार्केट में आजकल विटामिन सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आप यूज करते हैं और आपको कुछ टाइम के लिए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। आपको लगता है अरे वाह अब तो मैं गोरी हो ही जाऊंगी, अब तो मेरे फेस पे ग्लो आ ही जाएगा, अब तो मैं अरे वाह मैं क्या बन जाऊंगी। अब मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भी नहीं ट्राई किया, बट मैं लौट के फिर से यहीं आ गई हूँ। तो ये सारी चीजें से मेरे स्किन बहुत अच्छे से अच्छी हो चुकी है अब। तो इसमें विटामिन सी होता है, इसमें बायोटीन होता है, इसमें ग्लूटाथियोन होता है, ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के टेक्सचर को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मार्केट से एक्स्ट्रा ग्लूटाथियोन या फिर आपको मैं कहूँ बायोटीन या अदर प्रोडक्ट्स जो मतलब जिनमें ये होता है वो लेने की कोई जरूरत नहीं। आप ये यूज करके देखिए, आई मेक श्योर गाइज आप 1 वीक ये चीज यूज कर लीजिए, आपको स्किन में चेंजिंग नजर आएगी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ DIY एकदम से इफेक्टिव नहीं होता कि आप कहेंगे अरे मैंने यूज किया यार, कल ही तो मैंने यूज किया था बट हुआ नहीं कुछ, इसकी वीडियो बेकार है। ऐसा नहीं है, यूज कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको वीडियो शेयर करती हूँ, इसको यूज कीजिए, आपको पक्का टेक्सचर आपका चेंज होगा। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ इसके बारे में। इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, ये आपके बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी में शुगर का ज्यादा लेवल है या मतलब ठीक है यार शुगर, तो इसको अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका बॉडी में जो कुछ ऐसे एसिड होते हैं उनको ये रिमूव करता है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते उनको रिमूव कर देता है। पपाया के बारे में आई होप आप सबको पता ही होगा। तो पपाया तो हमारे स्टमक इन्फेक्शन को दूर करता है, हमारे स्टमक प्रॉब्लम को दूर करता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती यार, प्लीज इसको ट्राई करके देखिए। आप ये सारी चीजें मत खाइए, आपको नहीं पसंद होगा, आई डोंट थिंक सबको पसंद होते हैं सारे फ्रूट्स। तो ये पपाया आप ले सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट लीजिए उसको डालिए और अच्छे से खाइए, आपकी स्टमक इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे, स्टमक प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, आपको अच्छे से भूख लगेगी, सॉरी बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये चेंज कर देगा। अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है।
तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेने हैं सारे फ्रूट्स, आपके पास जो से भी फ्रूट्स हों, मेरे पास ऑरेंज, एप्पल, पपाया एंड ब्लैक ग्रेप्स था, तो वो सारे मैंने ले लिए हैं। आपके पास जो भी अच्छे फ्रूट्स हो, विंटर फ्रूट्स हो, विंटर सीजन चल रहा है, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं उनको लीजिए। देन उसके बाद या तो आप डायरेक्टली मतलब खा लीजिए सॉल्ट डाल के या जो भी आपको ठीक लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो उनको जूस बना लीजिए। मैं जो होता है उनका शेक बना लेती हूँ और अच्छे से। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आपको करना है पहले ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले आपको बिल्कुल भी ये वाला शेक नहीं मतलब लेना है, पीना नहीं है, उसके बाद ही आपको ये ड्रिंक करना है। उसके बाद आप जब फ्री हो जाते हैं कुछ टाइम बाद ऐसा फील होता है ना कि मेरा स्टमक खाली है, मुझे कुछ और चाहिए, तो इसको लेना है। मैं आपको मेक श्योर कह रही हूँ, आप इसको करके देखिए गाइज, आपको ग्लूटाथियॉन जो आप मार्केट से परचेज करते हैं उसको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। प्लीज़ गाइज करके देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही कर लीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है। इसको ले लीजिए, सारों को जूस बना लीजिए। आपको सॉल्ट डालना है, सॉल्ट डाल दीजिए। याद रखिए उसमें शुगर मत डालिएगा, एक्स्ट्रा शुगर मत डालिए। फ्रूट्स में शुगर का लेवल हाई होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी भगवान ने हमको दिया है ना मीठा करके, तो वैसे खाइए ना, खा लीजिए, उसको ले लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो आपकी स्किन पे सूट करता है, जो आपकी स्किन पे सूट करता है, मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा पपाया, थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा, बस दैट्स इट, इतना ही ले लो। उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल अगर आप चाहते हो तो मिला लीजिए, अगर नहीं चाहते हो तो मत पिलाइए। विटामिन ई का 1 कैप्सूल मिला दीजिए अगर आप चाहते हो, वो अगर आपको सूट करता है वो मिला लीजिए। बस रब इट ऑन योर फेस, अच्छे से अपने फेस पे उसको अप्लाई कीजिए। आपको मैं बता दूं, जो सीजन के फ्रूट्स होते हैं वो आपकी स्किन के टेक्सचर, वो उसी टाइप से बने होते हैं कि आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छे से इंक्रीज करे, बहुत अच्छा कर दे, क्योंकि वो सीजनल होते हैं। आपकी स्किन विंटर सीजन में क्या होती है, ड्राई हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं, डल हो जाती है, क्रैक हो जाती है, वो सारे अगर उसी सीजन के फ्रूट्स आप लेंगे ना, मैं सच कह रही हूँ, आपकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। विंटर सीजन में विंटर से फ्रूट लीजिए, आप उसको लेके देखिए, आपकी स्किन पूरी तरीके से प्रॉपर अच्छी हो जाएगी। तो मैं सारी चीज़ें वही कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे कि मैं क्या बता रही हूँ।